हजारिया नया खेड़ा के पास हजारिया सारण के बीच शहजाद नदी निकली हुई है, जहां पर बना 200 मीटर का पुल करीब 7 साल पहले टूट गया था। इसे बनवाने के लिए जिला प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन आज तक ना तो जिला प्रशासन की नींद टूटी और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के लोगों की गुहार सुनी। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 100 गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी महोदय को कई बार शिकायती पत्र दिए हैं। साथ ही इस पुल को बनवाने के लिए विधायक को भी कई बार अवगत कराया, लेकिन विधायक जी से सिर्फ झूठे आश्वासन मिले। पुल टूटे होने की वजह से आमजन के साथ किसान और स्कूली बच्चों को बहुत परेशान होना पड़ता है। बारिश के समय पर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। शिकायतें और निवेदन करते हुए अब ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वे ललितपुर मुख्यालय के घंटा घर पर धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। यह मार्ग कई गांवों को जोड़ता है, जिनमें हजारिया, नया खेड़ा, भगोरा, परोना, लंडवारी, बार के साथ बांसी, ललितपुर, चिकलगा पावर प्लांट एवं बानपुर, मेहरौनी, टीकमगढ़ को भी जोड़ता है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र के लोगों को पूरा कला, सारंगढ़, विजयपुरा, तालबेहट, बबीना, पूरा बिरधा, नत्थीखेड़ा, हिंगोरा और झांसी शहर को भी जोड़ता है। क्षेत्रवासियों को झांसी जैसे शहर तक जाने के लिए 200 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, जबकि यदि पुल बना हो तो सफर आधा हो जाता है। ग्रामीणों में किसान स्वरूप सिंह बुंदेला, बहादुर सिंह, सोहन सिंह, राघवेंद्र सिंह, मुकेश, विनोद सहित कई ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल निर्माण कराने की अपील की है। मैं विनोद सिंह बोल रहा हूँ हजारिया से। ये हमारे हजारिया घाट की पट्टी से नदी से कम 100 गांव जुड़ते हैं। बानपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, मेहरौनी, तालबेहट, पूरा कला, झांसी, जहां भी आप जाए यहां से जा सकते हैं। लेकिन क्या ये पट्टी टूटने से, कितने साल से टूटी दादा जी पट्टी? पट्टी ये 7 साल से टूटी है, अभी तक कोई सुनवाई हुई? सुनवाई कोई नहीं। विधायक जी आते हैं, आए चुनाव में आश्वासन दे गए, परीक्षक आए, सेक्टर मजिस्ट्रेट आए, केवल आश्वासन देकर के चले जाते हैं। अच्छा। उसके बाद कोई नहीं आता है, ना कोई शिकायत करते हो आप लोग? शिकायत भी की, लिखित में डीएम साहब को दरखास्त दी, एप्लीकेशन दिए, मंगल दिवस में दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आज तक। अगर आइंदा सुनवाई नहीं होती है तो हम फिर धरना में हम लोग पूरा दो चार गाँव के लोग इकट्ठित होकर बैठेंगे। मैं राघवेंद्र सिंह परमार हजारिया से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर विधायक जी भी हो गए हैं और सांसद जी भी हो गए हैं, सभी लोग हो गए हैं कि कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर 200 गांव पड़ते हैं, 200 किलोमीटर दूरी से घेर के जाने पड़ता है हम लोगों को। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, तालबेहट से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।